हेलो दोस्तों, मैं भोला सिंह स्वागत करते हैं दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों आज हम साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराएंगे जो बिहार बोर्ड में लड़ने का चांस है। पहला प्रश्न है कि परतंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये सभी होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक, जो कि इसके सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत मुख्य महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। तो ओजोन परत क्या अवशोषित है? ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला थर्ड नंबर प्रश्न है कि जीवाणु एवं कौन कहलाते हैं? ए उपभोक्ता, बी आहार श्रृंखला, और सी उत्पादक, और डी अपघटक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि अपघटक, जीवाणु एवं कवक अपघटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है चार नंबर की प्रत्येक परितंत्र होता है, प्रत्येक परितंत्र एक क्रियात्मक तंत्र होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम उसे कहते हैं जो मानव के द्वारा बनाया गया परितंत्र को कृत्रिम परितंत्र कहते हैं। तो ये इसमें जो मानव के द्वारा ये झील तालाब ये प्राकृतिक है, ये वन और तालाब भी प्राकृतिक है, तो और ये बगीचा जो खेत है मानव के द्वारा बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बगीचा और खेत, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छह नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा जीव मंडल में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो यह है हरे पौधों के द्वारा, इसका राइट आंसर हरे पौधों के द्वारा सौर ऊर्जा जीव मंडल से प्रवेश करती है, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सातवां प्रश्न है कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे जीव जो जानवर जंतुओं और घास और मांस दोनों खाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सर्वभक्षी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है कि वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? तो वनों के अधिक कटाई से एक तो भूस्खलन हो जाएगा, दूसरा में कि भूमि अपवर्धन तथा बाढ़ की स्थितियां हो जाएगी, और सी हो गया कि वर्षा कम होगा, और डी इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नौ नंबर प्रश्न है निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ सूखे घास और पत्ते होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दसवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता उसे कहते हैं जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो जो जंगली जानवर हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। इसमें नीली हरित क्रांति जो बनाते हैं ये फूल पत्ते ये सब तैयार होते हैं, और ये जंगली जानवर है जो बने बनाए हुए खाते हैं इसे उपभोक्ता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ग्यारहवां प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो पेड़ों की कटाई के समय था, जिसमें मानव के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई हो रही थी। तो इसलिए चिपको आंदोलन लगाया गया, जब पेड़ों की कटाई होती थी तो मानव उसे पेड़ से चिपक जाता था। तो इसमें वृक्षों से संबंध में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ावा प्रश्न है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो ओजोन का रासायनिक ओजोन का अणु सूत्र होता है O3, जो कि ओजोन में अणु ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 3 होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक द्वारा पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो तालाब तो मानव द्वारा बनाया गया है, और बी मानव द्वारा तैयार किया जाता है फसल, और सी है जो प्राकृतिक है, जंगल को मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस विश्व का उष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 15वां कि कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है। कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? तो ये है थर्माकोल, जो कि अजैव है और निम्नकरणीय कचरा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि थर्माकोल है। 16 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये है ओजोन परत, ये पराबैंगनी किरणों से मानव को सुरक्षा देती है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न है कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सूर्य का प्रकाश होता है। 18वां प्रश्न है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण घास और गेहूं तथा आम और घास बकरी और मानव। ये घास बकरी और मानव, तो ये घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। तो ये आहार श्रृंखला का पाई चार्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ए है बहुदिशीय और डी है द्विदिशीय और ए सी है एकदिशीय। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि एकदिशीय होता है। अगला 20वां प्रश्न है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। हिरण होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं हिरण, जो कि घास खाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की सवा है कि वायुमंडल में कितने वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? वायुमंडल को चार परतों में बांटा है। वायुमंडल को पांच परतों में बांटा गया है, जो कि पांच ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है पादप खाने वाले जीव कहते हैं, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं सर्वाहारी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 23वां प्रश्न है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जो सूर्य के द्वारा अल्ट्रावायलेट किरण निकलती हैं, इससे मनुष्य के त्वचा कैंसर होता है, जो कि मनुष्य के त्वचा के प्रभावित करता है, जैसे फुंसी घाव इत्यादि, इससे त्वचा कैंसर के रूप में पराबैंगनी किरण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, जो कि त्वचा कैंसर। अगला 24वां प्रश्न है कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? तो सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण ओजोन परत में अवशोषित हो जाता है, जिसका अणु सूत्र O3 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है? इस समूह में से कौन सा केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए और डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी, जो कि घास लकड़ी और प्लास्टिक, जो कि जैव नवीकरणीय पदार्थ हैं। और डी कहाँ है? केक और लकड़ी और घास। तो दोनों, ये ए है और डी है, तो दोनों निम्नकरणीय जो केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। इसका राइट आंसर होगा ए और एंड डी हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नलिखित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बायोगैस एक जो है मानव निर्मित निम्नकरण है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाला होते हैं? यह उत्पादक जो ऐसा ही है, उत्पादक ऐसा है जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि उत्पादक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नकरणीय है? अजैव निम्नकरणीय है जिसका क्षय नहीं होता है, उसे अजैव कहते हैं, जो प्लास्टिक को भी गलता नहीं है। तो इसका राइट है, इसका प्लास्टिक को पुनः उपयोग में लाया जाता है,
ये प्लास्टिक को पुनः उपयोग में लाए जाते हैं, इसका क्षय नहीं होता है, ये कभी गलता नहीं, इसके ये प्लास्टिक से पुनः वस्तुओं को रूपांतरित किया जा सकता है लेकिन इसे गलाया नहीं जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 29वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, ये वायु एक ऐसा है जो जैविक का पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है, जिसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु गए। 30 नंबर प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये दोस्तों VBI क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में पूछेगा ही तो पूछेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि केवल सूर्य एक ऐसा ऊर्जा है जो प्रकृति में मुक्त में और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्य।